बेचने में लगे हुए, और बेच के वो जो आमदनी आ रही है वो किसकी जेब में जा रही है? अगर मुफ्त का राशन बांट दें मैं सरकार का धन्यवाद करूं, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। ये अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी में निर्भर करते हैं, कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र के वित्त मंत्री महोदय ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में, प्रचार दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा। ये पहली सरकार है जिसने चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा।